नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एम्स के एक और एडुकेशनल सीरीज इनिशिएटिव पे। आज हम बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग ग्रोसरी शॉपिंग इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19। अब कोविड-19 का थोड़ा सा हम बात करें तो इसकी एक लंबी इंक्यूबेशन पीरियड होती है, 2 से लेकर 14 दिन तक का। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वायरस की एंट्री होके आपको सिम्टम्स होने तक का जो ड्यूरेशन है, यानी कि एक विंडो पीरियड है, ये 2 से लेकर 14 दिन तक वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एसिम्प्टोमेटिक बंदे के पास काउंटर करें जिसको हो सकता है वो वायरस को कैरी कर रहा हो लेकिन उसमें सिम्टम्स ना हो, और इस तरह से भी आप अनजाने में उससे वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसीलिए जो है सरकार ने लॉकडाउन भी किया है और सोशल डिस्टेंसिंग की खासकर सलाह दी है। लेकिन तब भी क्या है कि हमें अपने एसेंशियल ग्रोसरीज लेने के लिए तो निकलना पड़ता ही है। तो जब हम निकले एसेंशियल ग्रोसरीज के लिए, एक तो हमें अपना मास्क पहनना है जब हम वहाँ शॉप में जाए, एक तो उस समय जाए जिसमें शॉप में मिनिमम भीड़ हो या भीड़ बिल्कुल ना हो। अगर एक आधा लोग है भी तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करें। बोला गया है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति अपने खांसने थूकने या फिर बात करने पे जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स छोड़ता है अपने मुंह से वो 6 फीट तक की डिस्टेंस तक फैल सकता है, 6 फीट तक। और एयर में जो ये वायरस है ये 3 घंटे तक रहता है। और दूसरी तरफ अगर वो वायरल पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स किसी भी पार्टिकल्स पे किसी भी सरफेस पे सेटल होता है तो उसमें भी अगर कार्डबोर्ड है तो 24 आवर्स तक रहता है, और अगर आप जैसे कि मेटल या प्लास्टिक में है तो वो 3 दिन तक वो वायरस रहता है उसमें। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक तो हम अपना एक प्रॉपर चिट बना के हाथ में ले जाए जिसमें हमारे सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखे हुए हो ताकि हम अननेसेसरी जहां तहां हाथ ना लगाए, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, शॉपकीपर के ज्यादा पास ना जाए, दूर से ही चीजें ऑर्डर करें और चीजें लें। उसके बाद एक और चीज का ध्यान रखें, कोशिश कीजिए कि करेंसी नोट्स का इस्तेमाल आप अभी फिलहाल ना करें, कोई डिजिटल पेमेंट करें, या तो आप अगर आप कार्ड से कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे कि घर में आने के बाद उस कार्ड को अच्छे से आप सैनिटाइज करें, या फिर कोई भी आप पेटीएम या कोई भी इस तरह का एक वॉलेट से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं करेंसी नोट्स में। क्योंकि ये है कि दिन भर वो शॉपकीपर पता नहीं कितने लोगों से वो करेंसी लिया है, कितने लोगों ने छुआ है, तो उसमें रिस्क फिर भी रहता है। और जब आप ग्रोसरीज वगैरह लेके घर लौटे तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि घर के एंट्रेंस में एक आपका कोई सैनिटाइजर हो जिससे आप अपना हाथ सैनिटाइज करें। जो सामान है उनको मतलब घर में प्रॉपर घुसने से पहले सामान ठीक एंट्रेंस के पास ही उसको अच्छे से सफाई कर लें। वेजिटेबल्स जो है वो आप ले जाएं अपने किचन में अच्छे से वॉश करके फिर ही उसको फ्रिज वगैरह में आप रखेंगे। उसके अलावा जो है खुद भी अपने कपड़े चेंज करेंगे, बच्चे या बूढ़ों के पास आने से पहले कपड़े चेंज करके हाथ वाथ अच्छे से धो के नहा धो के ही अपने बड़े बुजुर्ग या बच्चों के संपर्क में आएंगे। फिलहाल के लिए मैं आज विदा लेती हूँ आपके अभी इस वीडियो के लिए। इतना ही, अपना घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।